नमस्कार, आप देख रहे हैं विद्रोही आनंद। मैं हूं आपके साथ नितिन त्रिवेदी। आइए रुक करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों पर। आज से होगी जनसंख्या स्थिरता पखवाड़ा की शुरुआत। 11 जुलाई से 24 जुलाई तक चलेगा अभियान। सीएम योगी आदित्यनाथ 5 KD से बाइक रैली को दिखाई हरी झंडी। बाइक रैली जनसंख्या नियंत्रण के लिए लोगों को करेगी जागरूक। गोवा में कांग्रेस विधायक दल के नए नेता का चयन आज। पणजी जाएंगे मुकुल वासनिक, नेता पद से हटाए गए माइकल लोबो। भारत ने मुश्किल घड़ी में श्रीलंका को पहुंचाई $3.8 अरब की मदद। हालात पर हमारी नजर, विदेश मंत्रालय। श्रीलंका में बनेगी सर्वदलीय सरकार। गोटाबाया राजपक्षे के इस्तीफे के बाद होगा गठन। राष्ट्रपति भवन छोड़ने को तैयार नहीं प्रदर्शनकारी। श्रीलंका के स्पीकर महिंदा यापा अभयवर्धना होंगे अस्थायी राष्ट्रपति। अमरनाथ गुफा के ऊपर होगा हवाई सर्वे। बाढ़ के रास्ते से हटाए जाएंगे टेंट। LG सिन्हा की बैठक में अहम फैसला। आज से फिर शुरू होगी अमरनाथ यात्रा। लापता श्रद्धालुओं की तलाश जारी। तेलंगाना के सीएम KCR ने बोला BJP और PM मोदी पर हमला। बोले देश में अघोषित आपातकाल। महाराष्ट्र में शिवसेना के 53 विधायकों को नोटिस जारी। शिंदे गुट के 39 और उद्धव गुट के 14 MLA कोई बड़ी मुश्किलें। अग्निपथ स्कीम में रक्षा मंत्रालय की परामर्श समिति आज बैठक। राजनाथ करेंगे अध्यक्षता, तीनों सेना प्रमुख रहेंगे मौजूद। कन्हैया लाल हत्याकांड में NIA को मिली बड़ी कामयाबी। 7वां आरोपी भी हुआ गिरफ्तार। महिला हॉकी विश्व कप में भारत की हार। मेजबान स्पेन में 1-0 से दी शिकस्त। असम में बाढ़ और भूस्खलन से अब तक 192 लोगों की मौत। बीते 24 घंटे में COVID-19 के 18,257 नए मामले आए सामने और वहीं 42 लोगों की मौत। तीसरे T20 इंग्लैंड ने भारत को हराया। तीसरे T20 में इंग्लैंड से हारा भारत। सूर्य कुमार के शतक के बावजूद 216 रन नहीं बना पाई इंडिया टीम। ऐसी खास खबरों को देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे विद्रोही आनंद। हर खबर पर होगी आपकी पकड़। सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल विद्रोही आनंद को और बेल आइकॉन दबाना न भूलिए।